अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं और कोरोना वायरस से बच रहे हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, तो इससे मिलके हमें लड़ना होगा, राइट? तो आज की क्लास में अगेन हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं ट्री, उसके लिए मुझे आपसे चाहिए कुछ कलरफुल पेपर्स। अगर कलरफुल पेपर्स नहीं है तो कोई भी वाइट पेपर्स ले लें, उनको पेंट करा लें बच्चों से। फिर कुछ शाइनी पेपर्स, ग्लिटर वाले अगर आपके पास स्टिकॉन्स हैं, अगर नहीं है दैट्स ओके। कुछ पुराने बटन्स या सीक्वेंसेस, कुछ भी पुराने इयररिंग्स जो टूट जाते हैं वो ले आएँ। और उसके अलावा मुझे आपसे ग्लू चाहिए। और ये एक एक्टिविटी हो गई। और जो हमारी दूसरी एक्टिविटी है उसके लिए मुझे आपसे चाहिए कोई भी जार, थोड़ी सी कोई अंदर रखने डालने वाली, थोड़ा सा जो ग्लिटर्स होती हैं या इस तरह की छोटी छोटी इस तरह की डेकोरेशन वाली चीज़ें होती हैं वो, ग्लिसरीन हो आपके पास और ग्लू हो, वाइट क्लियर ग्लू। तो हम इसके बनाएंगे स्प्रिंकल मैजिक जार्स इसके, ठीक है ना? सो हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं, एक मैजिक ट्री है और एक मैजिक जार है, ठीक है? सो आप ये सारी चीज़ें ले आएँ। आई विल सी यू एग्जैक्टली एट 5 o'clock। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नो यू से। अस्सलाम वालेकुम आरिज। नो यू से दैट। से व्हाट? नो यू से दैट। ओके आई विल से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वी आर अ बिट इन अ क्रैंकी मूड बट दैट्स ओके। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े का ट्री। आपके पास जितनी भी पुरानी बटन्स हों, कुछ एक्सेसरीज हों, बुंदे गुम जाते हैं, एक एक रह जाते हैं वो हों, हम सब उनको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है? आपने एक ट्री बनाना है, बहुत ही सिंपल सा। द ईजीएस्ट वे टू मेक अ ट्री इज़ आपने दोनों शाखें यूँ निकाली और फिर उनके अंदर से शाखें निकाली, ठीक है? सो जस्ट लाइक अ रैंडम ट्री। यस दिस मामा। वेरी गुड आरिज, वेरी गुड। यूं किया, यूं किया, यूं किया और यूं कर लिया, ठीक है आरिज? नो नो नो, यू डू योर्स, आई विल डू माइन। यू डू इट। बटन्स, बटन्स आप लगाएं, इतने सारे बटन्स आपके सामने पड़े हैं। अब बटन्स लगाएं, ग्लिटर तो अभी नहीं ये लगाएंगे, ग्लिटर हम नेक्स्ट एक्टिविटी में लगाएंगे। ओके ठीक है जी, ये हो गया हमारा ट्री, वेरी सिंपल। आई विल ओपन इट बट फर्स्ट द बटन्स विल फील सॉरी, सो द बटन्स हैव टू गो, सी द बटन्स, ठीक है? फिर आपने छोटी सी घास बना ली। आई विल जस्ट ओपन इट फॉर यू आरिज। ओपन ग्लिटर। आई कांट ओपन द ग्लिटर राइट नाउ आरिज। यू कैन ओपन। ओके ठीक है, फिर आपने इसमें अगर थोड़ी सी शेडिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। नो आरिज, डोंट डू दैट जानी, ठीक है ना? ये हमारा ट्री बन गया। उसके बाद हमने लगानी है जिस तरह आरिज ने लगाई है यहाँ पे ग्लू, हमने उस तरह यहाँ पे ग्लू लगा लेनी है, ठीक है? हमारी ग्लू लग गई, अब हमने उसके ऊपर बटन्स लगा लेने हैं। ओके थैंक यू सो मच, मुझे सदका जार्स की भी पिक्चर्स आई और मुझे बहुत क्यूट क्यूट पिक्चर्स मिल रही हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। Especially, I think in Muscat, a lot of ladies made the masjids. So, thank you for that. And मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप लोग टैग कर रहे हैं मुझे videos और बच्चों open की pictures. Open this. Okay, but first I have to complete the buttons please, now. Mama. Okay, Jani, you have to wait, Aris. Please open. Okay, this. Can you count till 10 and then I'll open it. Mama, no. Open this. If you talk to me like that, then I won't open. You have to talk to me. Mama. Nice. Yes. See. Yaju, आपके भी कितना cute ये tree बन रहा है ये देखें guys. Open this. This was an idea that a friend sent me. Open this. Open this, please, Mama. Okay, sit down. Okay. Wait.
Okay, here's the glitter that you can use. Yes, that's a lot of glitter for you. Don't put it everywhere. Spread it. ठीक है, let the kids just have a good time. That's the idea. ठीक है, हमने ये देखे जैसे सारे buttons एक एक करके हमने ये लगा दिए हैं, और इसमें और भी buttons लगा सकते हैं. और buttons नहीं है आपके पास, आपके पास कुछ और accessories है, आप वो भी लगा सकते हैं. कुछ flowers हैं इस तरह के, gifts के ऊपर आते हैं, मैं वो निकाल के रख लेती हूँ for such times when I need them. और ये देखें कितने मज़े का ये tree बन गया है. ठीक है, ओ माई गॉड आरेज. ओके, स्लोली स्लोली जानू, स्लोली स्लोली करना है हमें काम. ठीक है, और हम थोड़े और ये ग्लू को स्प्रेड कर देंगे. एंड इट्स जस्ट अ नाइस वे टू नो यू ऑलरेडी यूज सो मच आरेज. आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट आर्ट वर्क आरेज. चिया ले गई. Aju, you can't take more glitter. Baba will get very upset. All his glitter we are using. I want that. Okay, you can use this one. Mama, come use this one. This one. Chhod de. Wo wali use kare. Okay. Mama. Okay. Okay. Theek hai ji. Ye dekhen. Oh my. Sorry, Mama. Yes, sorry is a good word, Rohan. Arez. ठीक है जी, दिस इज ऑलमोस्ट डन. आर ट्री इज रेडी. इट लिटरली टुक मी 5 मिनट्स टू मेक दिस आर्ट पीस एंड इट लुक्स क्वाइट क्यूट. आप इसमें बच्चों से इसमें कलर करा सकते हैं और पेंट भी करा सकते हैं. एंड द होल आइडिया इज, एंड देन इसको फ्रेम कराएं. यू नो फ्रेमिंग इज वेरी वेरी नाइस. इसकी फ्रेम करके जब लगते हैं चीज़ें तो बहुत क्यूट लगती हैं. आरेज, ओके, दैट्स इनफ. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी आई विल बी राइट बैक. आप लोग ये करें, मैं आपको थोड़ी देर में दूसरी एक्टिविटी बताऊंगी. सो हम अपने ट्री को थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं ताकि बटन्स भी जाहिर हो और फिर ट्री भी जाहिर हो. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारा ट्री दिखना चाहिए कि ये ट्री है. तो उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ. दिस इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी जो आप हर एज के बच्चों के साथ कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि छोटे बच्चे हों, आप यू नो टीनेजर्स के साथ भी कर सकते हैं. उनसे कहें कि अपने पुराने सारे बटन्स लाएं, और ये बड़ी मज़े की एक्टिविटी है एक्चुअली, जिसमें सब इन्वॉल्व होके काम कर सकते हैं. और इसमें लिटरली आप कुछ भी लगा सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि बटन्स हों. अब देखिए मेरे पास ये किसी का एक बुंदा आ गया था और वो फिर मुझसे कॉन्टैक्ट में नहीं रही. और मेरे पास एक बुंदा था जो एक ही रह गया था, फिर ये कहीं टूट गया था, ये किसी क्लिप का था. सो ये सारी चीज़ें मैंने रखी भी होती हैं ताकि मुझे पता है कि यू नो आर्ट में कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो ही जाता है. और ये करके मुझे बहुत क्यूट लग रहा है ये. अच्छा, फिर मैंने एक पेपर लिया, कोई भी कलर्ड पेपर, और उसके ऊपर मैं ये जो मेरा ये वाला पेपर है उसको मैं स्टिक कर दूंगी ताकि एक फ्रेम की तरह उसकी लुक आ जाए. वरना वो क्या होता है कि वो बहुत हल्का सा लगता है. सो वी डोंट वांट, वी वांट टू गिव इट अ सॉर्ट ऑफ अ फाइनल लुक. तो वो मैं आपको करके बता रही हूँ कि हमने कैसे करनी है. ठीक है, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया ये. कोई मुझे सजेस्ट कर रहा था कि इस ग्लू के अलावा भी बहुत अच्छी ग्लूज हैं मार्केट में. आई एम सो श्योर पाकिस्तान चिपके हुए चीज़ों से भरा हुआ है. सो दिस इज़ आर ट्री एंड लुक एट दिस, हाउ दिस लुक्स. हाय रोहान, ओ देव कम टू पुट देयर होमवर्क. ओके, आई विल टेक दैट, थैंक यू. ओके ओके, व्हाई डोंट यू पुट इट हियर, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया राइट नाउ. ठीक है, ये इसको मैं वापस से ग्लू कर दूंगी. ये थोड़ा स्टिक नहीं हो रहा, बट लुक एट दिस,
दिस इज सो सो नाइस. ठीक है जी, हमारी ये एक्टिविटी हो गई. इसकी भी आप मुझे बहुत सारी पिक्चर्स टैग करेंगे तो मज़ा आएगा. अब हम बनाएंगे अपने मैजिक ग्लिटर जार्स. उसके लिए मुझे आपसे चाहिए या सो मुझे आपसे चाहिए कोई भी जार जो खाली हो और जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो. आई नीड दैट ग्लू प्लीज प्लीज. थैंक यू आरिज, थैंक यू. ठीक है, मुझे वाइट क्लियर ग्लू चाहिए आपसे. रोहन, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? या ऑल ऑफ इट? या डिड यू ऑल द वाउल्स? ओ वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू रोहन. See, there is no need to be scared of doing homework when you are so good at it. Just, I was joking. Okay. I'll show you this. Wait for me. Shut the door, Jani. Okay, kids were not interested in doing anything today, so I gave them a chutti. ठीक है जी, एक हमारे पास jar है. हम इसमें थोड़ी सी glitter डाल लेंगे. हमारी पहले ये ग्लिटर है और इसमें एक बटन भी है. बटन हम निकाल लेंगे, बाकी हम चीज़ें उसमें हम ग्लिटर डाल दी. ये मैजिक बॉक्सेस जो जार्स होते हैं ये बहुत क्यूट लगते हैं, स्पेशली बचपन में. यू नो, आप जब उनको हिला हिला के रखते थे तो कितना मज़ा आता था. डू यू गाइज रिमेंबर? तो आई एम मेकिंग वन फॉर द किड्स, ठीक है, ताकि वो मज़ा कर सकें उससे. ठीक है, हमने ग्लिटर डाली, इसको मिक्स कर दिया. दो तीन शेड्स की आप ग्लिटर डाल सकते हैं. कुछ हमने ये सीक्वेंसेस डाल दिए इसमें, ठीक है. और फिर हमने क्लियर ग्लू यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लू ली और इसको हाफ अ कप डाल दिया. जैसे कि ये हमारा हाफ कप, ऑलमोस्ट हाफ कप. सो हाफ कप ग्लू हो गया, ठीक है. और हमारा, मैं इसमें थोड़े से और सीक्वेंसेस डालना चाहूँगी बिकॉज दिस इज गोना लुक रियली क्यूट. जब वो हिलते हैं और वो स्पार्कल करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं, ठीक है. आपके पास ग्लिसरीन हो तो आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू सी के इसमें ये बनेगा या नहीं. डिस्टिल्ड वाटर यानी बॉइल्ड करके भी आप वाटर उसको रख सकते हैं. और हमने थोड़ा सा गरम पानी मिला दिया. अब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसकी एक वो मोटी सी फील आ जाएगी, यू नो, थिक फील आ जाएगी. और हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे. ये देखें, एक थिक सा ये सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है. हमने इसको मिक्स किया. अब हम इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं. आपको चांद सितारे डालने हैं आप वो डाल सकते हैं. आपको और भी कुछ चीज़ें डालनी हैं बच्चों की, आप वो भी डाल सकते हैं. अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको फुल टॉप तक कवर ना करें, ठीक है. हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इसमें रखने के लिए, ताकि ये जब हम शेक करें इसको तो ये आराम से मूव होने की इसकी जगह हो, ठीक है. सो दैट इज़ वन. ये देखें कितने मज़े का इसका ये बन गया है. अच्छा, अब इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं. दो चीज़ें ये हैं कि आप इसके लिड पे कुछ भी इंटरेस्टिंग सा चिपका सकते हैं. तो जैसे कि मेरे पास अगर हो, चले हम इनको ट्राई करते हैं. हम इनको ट्राई करते हैं कि ये कट के अगर इसके बीच में लग जाएं तो ये कैसा लगेगा. मुझे मेरी एक फ्रेंड ने ग्लू गन तो दी मगर वो काम नहीं कर रही. सो मैं आपसे एक मिनट लूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ये ग्लू गन. सो ईदर आई कैन डू दिस और आई कैन डू वन मोर थिंग विच इज़ परहैप्स यूज़. देखिए, मुझे ये जुगाड़ें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं. सो आई विल बी राइट बैक विथ अनदर ग्लू गन. जब तक हम ये देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें डल सकती हैं, ठीक है ना. ये बहुत मज़े का थिक सा सॉल्यूशन बन गया है. और मैं आई विल सी यू इन अ बिट बिकॉज या तो मैं ये कर सकती हूँ, इसमें खाली बोतल भी हम रख सकते हैं.
But I want to do something more interesting than that. ठीक है? So, मेरी इससे नजरें नहीं हट रही हैं. तो मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, अगर वो हम छोड़ें और इनको अच्छा यूं ही कर लें, ये देखें. ये कितने मज़े की हमारी सोल्यूशन बन गई है. इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं. आई आइडियली वॉन्टेड कि मैं बीच में इसको कुछ रखती और बीच में इसको कुछ लगाती और फिर ये आहिस्ते आहिस्ते करके सब नीचे चली जाती. इसको थोड़ा टाइम लगेगा कि ये सब आहिस्ते आहिस्ते करके नीचे सिंक हो जाएगा. ठीक है, आई कैन मेक अनदर वन फॉर यू गाइज. So here is one. जा और इसको फिर हमने ग्लू गन से बिल्कुल सील कर लेना है. ठीक है, that's another jar. I will make one with blue. So हमारी ब्लू थोड़ी सी ग्लिटर हो गई. फिर हम ग्लिसरीन से ट्राई करते हैं कि ग्लिसरीन से कैसा इफेक्ट आता है. फिर हमने, क्योंकि ग्लिसरीन भी थोड़ी थिक होती है, फिर हमने थोड़े से ये स्टार्स इसमें डाल दिए. और आपके पास नॉर्मल सीक्वेंसेस भी हो वो भी चल जाएंगे. द होल आइडिया इज कि कुछ ना कुछ इसमें फ्लोट करता रहे. ठीक है, फिर हमने ग्लिसरीन डाल दी. हमने इतनी सी ग्लिसरीन डाली और इसको पानी के साथ हमने मिक्स कर. पहले ये थोड़ा डस्की सा शेड देगा, फिर ये क्लियर वाटर की तरह हो जाएगा. मगर इसमें जो जितनी ग्लिटर है वो सारी इसमें हम थोड़ी सी, अच्छा ओके, इसमें हम थोड़ी सी ग्लू भी डाल देते हैं बिकॉज आई थिंक उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है. सो आई गेस सिर्फ ग्लिसरीन नहीं काम करेगी इसमें, हमें दोनों चीज़ें मिक्स करनी पड़ेंगी, ग्लू एंड ग्लिसरीन. ठीक है गाइस, हमने ये किया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया. आई शुड स्टार्ट अपलोडिंग माई वीडियोज नाउ. Something of the sort. ये इतना कोई great result नहीं आया है, but I think कि इसका कुछ solution ढूंढना पड़ेगा, right? So anyway, we've made two, one with glycerin and glue, and one with just glue and water here. Both in both jars there are water, but I think जो अच्छा सबसे ज़्यादा result आया है, वो आया है glue और water का. Instead of glycerin and water. ठीक है guys, so these were our magic jars and this was our tree and these were the two activities of today. I hope आपको पसंद आया हो, मज़ा आया हो. आप दोनों ये activities कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह आपको अच्छा लगा. और next class में हम कुछ room decorations बनाएंगे because a lot of mothers are saying कि उनके बच्चों के कमरों की decorations उनको बनानी है. ठीक है, सो वी कैन डू दैट रमज़ान रिलेटेड एंड नॉट सो रमज़ान रिलेटेड. सो इट कैन बी बोथ. सो आई विल बी डूइंग टू एक्टिविटीज़ डे आफ्टर टुमारो, जिसमें रमज़ान रिलेटेड रूम डेकोरेशंस होंगी और रेगुलर डेज की भी रूम डेकोरेशंस होंगी. ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया हो. आप मुझे ज़रूर टैग करिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग टैग करते हैं. बस अपना सिटी नेम ज़रूर टैग कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि हमारा आर्ट वर्क कहाँ कहाँ जा रहा है. ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टिल आई सी यू अगेन, खुदा हाफिज़.